अच्छा, मैं वन बाय वन तो किसी को नहीं बताऊंगी ये उसकी क्या गलती थी, उसकी क्या गलती थी, बुरा लगता है। तो सम अप करके चलते हैं इसको। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एतमाद हम लोग बहुत काउंट करते हैं ना। आप इधर आके खड़े हुए, आपने बात करी करी, उसमें क्या चीज़ काउंट हो जाती है? ज़रा सी देर को पॉज कर देना। अब वो किस तरीके से आप पॉज कर रहे हो ना, इसको गौर करो। उसमें आपका झांकता है, आपने कॉन्फिडेंस लूज़ कर दिया कहीं पे, मुझे लगा। फिर हमने इधर मार्क्स रखे, आई कॉन्टेक्ट। बाज़ अवकात मुझे लगा बाज़ जगहों पे कि जी सिर्फ मेरे लिए ही तकरीर हो रही है। कुछ ऐसे आए मुकर्रीन के मुझे लगा कि सिर्फ मुझे ही सुनने को मिल रहा है और बाकी किसी को नहीं सुनना है, सिर्फ मेरे ही करना है। और बाकियों का लगा कि मुझे नहीं सुनाना, बाकी सबको सुनाना है। ये चल रहा था ठीक। फिर और मेन चीज़ें देखें, आपका जो होता है ना, बहुत चीज़ अच्छी लगी दो चार। आप लोगों का आगाज़ इफ्तिताहिया बहुत बेहतरीन था, और यही चीज़ काउंट होती है कि स्टार्टिंग में जो 2 मिनट आपके जाते हैं, और तकरीर का बेहतरीन अंदाज़ ये होता है 5 मिनट से ऊपर हो नहीं। अच्छी टाइम लिमिट आपको दी इन्होंने, लेकिन जो स्टार्टिंग के जो 1-2 मिनट होते हैं ना, वो तय करते हैं कि सामईन आपको सुनेंगे या बस टाल मटोल करेंगे। वो अगर जानदार है, मौसर है, तो आपके लिए बेहतरीन है। अच्छा जी, अभी रिजल्ट अनाउंस नहीं करूँगी, ठीक है? हाँ ठीक, वो चीज़। फिर आपका अख्ताम, इख्तिताम में आपने क्या करना होता है, जो आपने 3 मिनट लिए थे उस इख्तिताम में एक लाइन में आपको वाजे कर देना था। फिर बीच में आपके दलाइल भी आए, जाहिर सी बात है कि आप एक ऐसा मौजू लेके चल रहे हैं कि आप उसकी बुराई भी कर रहे हैं, अच्छाई भी कर रहे हैं। उस दलाइल में, उन दलाइल में आपको ये नहीं करना कि सिर्फ अपनी राय होती है, अपनी राय आपने देनी है, लेकिन आपको कन्वेंस करना है, थोपना नहीं है। ये चीज़ हमेशा याद रखिए। जज, आप कहीं भी जाएंगे, जज इस चीज़ को नोटिस करेगा। होता क्या है, तकरीर है क्या, बोलने के फ़न की महारत को तकरीर कहते हैं। सही है, ये हमेशा याद रखिए, बोलने के फ़न की महारत को तकरीर कहते हैं। और आपका सही गुफ्तगू, और वो गुफ्तगू इस तरह करना कि सामने वाला ना सिर्फ मुतासिर हो बल्कि सुनने पे भी राज़ी हो जाए। बाज़ औक़ात आपने अभी तो इतना क्राउड नहीं है, लेकिन आप किसी बड़ी जगह जाएंगे तो लोग आपको डिस्टर्ब करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस लूज़ होगा। वो चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है कि आपने इस तरीके से पेश करना है कि सामने सिर्फ थोपना नहीं है, उसको कन्वेंस भी करना है, सुनने पे आमादा भी करना है। और यही एक बेहतरीन मुकर्रर की निशानी होती है कि वो सुनने पे आमादा करे। ठीक, आपकी शायद एक लास्ट आ गई है, तो उनको भी जज कर